बिहार में नौकरी जो है एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग है जिसमें कमाई किया है अंग्रेजों के समय में, कि उनके उस समय उनके प्रयास या फिर यहाँ के लोगों के प्रयास से देखिए है कि हर एक जिले में कोई ना कोई इंडस्ट्री लगा हुआ था, आज से 100 साल पहले लगा हुआ था, और हमने उसे आज तक उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया बल्कि उसको बंद करवा दिया। बंद फैक्ट्रियाँ अगर चालू हो जाए तो बहुत हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और बिहार का विकास तो होगा ही, रोजगार भी मिलेगा और ग्रामीण लोगों को भी रोजगार मिलेगा और उनका इनकम भी बढ़ेगा। हम लोग भी किसान हैं। बिहार में अगर सरकारी नौकरी अगर आप नहीं कीजिएगा फिर कीजिएगा क्या? देखिए एक जमाना था कि नौकरी को सबसे थर्ड ग्रेड के दर्जे में रखा जाता था, लोग नहीं करना चाहता। बिहार में कोई भी वैकेंसी है 70-75% सीट बेच दी जाती है, बोली लगाई जाती है। यहाँ पर बिहार में क्या है कि एक सरकारी डिपार्टमेंट में कोई चपरासी है और कोई बिजनेस करके 5 लाख रुपया महीना कमाता है तो लोग चपरासी को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। शिक्षक बहाली देखिए, शिक्षक बहाली के नाम पे दलाली हो रही है, हम तो खुलेआम कहते हैं कि दलाली हो रही है, शिक्षक बहाली नहीं दलाली की जा रही है और दिखावा किया जा रहा है। 1990 से पहले बिहार जो था वो आत्मनिर्भर राज्य था, नॉर्मल स्टेट था, लेकिन 1990 के बाद जब ये कहा जाता है ना कि गरीबों की बात करने वाली जो सरकार आई उसी ने बिहार को और गरीब बना दिया। कि हमने ज़्यादा जाति धर्म के आधारित मुद्दों को छोड़कर जो वोटिंग शुरू किया उसके कारण जो है हमारा बंटाधार हुआ। भारत की सबसे प्राचीन राजधानी यानी मगध यानी बिहार, जो कभी भारत की गौरव हुआ करती थी, वह आज इतनी लाचार है, इतना बेचारापन दिखता है जब हम बिहार का बात करते हैं। कारण है, सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी ही नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर लीजिए तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर एक पायदान पर बिहार सबसे निचले स्तर पर है। क्या कारण है? हमारे साथ दो युवा इस वीडियो में आपको दिख रहे होंगे, एक तो आदेश पुरी है, आप इनसे अच्छे से परिचित होंगे, लगातार युवाओं की बात करते हैं, और एक छात्र नेता दिलीप है। हम उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे जिसके चलते आज बिहार पिछड़ेपन का शिकार हो गया। आज़ादी मिले देश को 75 साल हो गया, 75 साल में महाराष्ट्र कहाँ चला गया, तमिलनाडु कहाँ चला गया, कर्नाटक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन बिहार नीचे ही जाता गया और अभी तक जो स्थिति है वो नीचे ही इसे बता रहा है। भले ही सड़क का निर्माण हो गया हो, बिजली मिल गया हो, हमारे जो मुखिया है नीतीश कुमार वो बार बार अपना छाती ठोकते रहते हैं कि गाँव के अंतिम घरों तक हमने बिजली पहुँचा दिया, पहुँचा भी दिया, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन क्या बिजली से पेट भर जाएगा? क्या बिजली से जो हमारे अगली पीढ़ी होगी, जो हमारे बच्चे होंगे या खुद हम, हमारी पीढ़ी की अगर हम बात करें जो 30 साल के अंदर आते हैं, 25 साल 24 साल के जो लड़के होंगे उनका क्या, वैसे बच्चों का क्या जो 2005 में जन्म लिए थे, अब मैट्रिक पास कर गए होंगे, 2016 साल में मैट्रिक तो पास ही कर गए होंगे, अब वो रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? बिहार का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ से एक व्यक्ति बिहार से बाहर पलायन नहीं किया हो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। क्या कारण है? क्या सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर रहकर हम बिहार को विकसित कर सकते हैं? और सरकारी नौकरी कितनी? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि केंद्र ये बात मानता है कि देश की कुल 3% आबादी को ही हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं, और इसी अनुपात में बिहार को भी आप मान लीजिए 3-4% मान लीजिए, उसके बाद क्या? और सरकारी नौकरी का आप देख लीजिए बिहार में कितना बवाल मचा रहता है, BSSC का मामला हो, BPSSC का मामला हो, BPSC पर भी आरोप लग चुका है, RRB NTNPC का NTPC का हमने बड़ा प्रोटेस्ट देखा, कई तरह आज बेल्ट्रोन का प्रोटेस्ट था, STET का प्रोटेस्ट होते रहता है, तो सरकारी विभाग कितने खस्ते हाल में है इसका अब बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार द इंडिया टॉप पर और तमाम चैनल्स पर देखते रहते हैं। दूसरा जो सेक्टर आता है जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, बिहार जो है वो कंज्यूमिंग स्टेट है, हम सिर्फ खाना जानते हैं, बनाना नहीं जानते हैं, और यही कारण है कि आज हम इतना पिछड़ गए। नीतीश कुमार बार बार विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी ये बात कर रही है, लेकिन केंद्र का कहना है कि जो बंद पड़े कारखाने हैं बिहार में, जो 90 के पहले चल रहे थे, अच्छे से चल रहे थे, सिर्फ उनको अगर खोल दिया जाए तो बिहार की एक बड़ी आबादी को रोजगार दिया जा सकता है, नौकरी दिया जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे कि आखिरकार बिहार में रोजगार कैसे दिया जाए। फिर शिक्षा पर भी बात करेंगे, चीटिंग्स बंद हो गए, जो चोरी होती थी इंटर की परीक्षा में वो बंद हो गया, जो दीवार पर लोग चढ़ते थे वो बंद हो गया, नया प्रारूप क्या है चोरी का, इस पर भी हम बात करेंगे। आदेश जी, पहला सवाल आप ही से होगा, डेवलपमेंट बिहार में क्यों नहीं है? दो मुख्य कारण बता दीजिए, विकास बिहार से क्यों दूर है, और अन्य राज्यों तक विकास कैसे पहुंच जाता है, बिहार तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, कारण बता दीजिए। देखिए, जो हमारे यहाँ बिहार में जो था, बिहार जो हम लोग का अभी जो बिहार अभी है ये कृषि आधारित था,
और देखिए कि मैं तो धन्य कहता हूँ अंग्रेजों के समय में कि उनके उस समय उनके प्रयास या फिर यहाँ के लोगों के प्रयास से देखिए कि हर एक जिले में कोई ना कोई इंडस्ट्री लगा हुआ था, आज से 100 साल पहले लगा हुआ था, और हमने उसे आज तक उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया बल्कि उसको बंद करवा दिया। आप देखिए तो नॉर्थ बिहार में अगर तिरहुत के इलाके में जाइए, एक जिला में दो दो तीन तीन चीनी मिल हुआ करता था, लेकिन पश्चिम चंपारण को छोड़ दे हम तो सभी जगह चीनी मिल बंद हो गया। आपका जूट का होता था उधर सीमांचल क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में होता था, पेपर मिल हुआ करता था, ये सारा कुछ बंद हो गया। डालमिया नगर देखिए साउथ बिहार में इतना बड़ा प्रोजेक्ट खोला गया वो बंद हो गया। बरौनी इंडस्ट्री इलाका खुला गया था 1960 के दशक में, लेकिन वहाँ पर भी जो है खाद का जो है कुछ नहीं किया गया, फिर अभी सरकार ने पैसा दिया है तो रिन्यूअल चल रहा है। तो देखा जाए तो बिहार में बस इंडस्ट्री के नाम पर दो तीन थर्मल पावर बने बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हमने जो है अपने पुरातन देखिए 1990 से पहले बिहार जो था वो आत्मनिर्भर राज्य था, नॉर्मल स्टेट था, लेकिन 1990 के बाद जब ये कहा जाता है ना कि गरीबों की बात करने वाली जो सरकार आई उसी ने बिहार को और गरीब बना दिया, और आज तक गरीब बनते ही जा रहा है। आप जो है नए कृषि आधारित उद्योग नहीं लगाएं, आप जो है बिहार में आप केवल रोना यही रोते हैं कि झारखंड अलग हो गया तो हम मेरा पूरा मिनरल चला गया। अरे उससे बिहार को राजस्व की प्राप्ति होती थी, लेकिन आपने नॉर्थ बिहार के लिए क्या किया? आपने यहाँ पर एक भी ना इंडस्ट्री को लगाया, न पनपने दिया। और देखे तो संजय जायसवाल का जो कहना था कि औद्योगिकरण को लेकर एक विलेन की तरह रूप अपनाया जाता है यहाँ पर, और बिना औद्योगिकरण के आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं बिहार में। औद्योगिकरण का मतलब यहाँ पर बहाना बनाया जाता है कि जमीन की उपलब्धता कम है। अरे भाई, जितना सरकारी जमीन है और जितना यहाँ उद्योग बंद हुआ है उसी पर अगर नया उद्योग खोला जाए या उसी को फिर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा के खोला जाए, उससे भी कितने लाख लोग को रोजगार मिलेगा। तो पहला तो कारण ये है कि हमने अपने जो है कृषि आधारित कारखानों को बंद कर दिया, प्रश्रय नहीं दिया, लगाने की कोशिश हमने नहीं किया। और दूसरा है कि जो राजनीति में परिवर्तन आया, क्या आया कि जात धर्म पर आधारित पॉलिटिक्स हो गया, और इसमें क्या हुआ कि लोगों के बुनियादी मांग जो थे वो गौण हो गए। इलेक्शन के समय में जाति धर्म इस सब के नाम पर बहलाया जाता है, और कभी भी आप देख लीजिए कितने यहाँ पर दल हैं, प्रमुख दल हैं, जिन्होंने आज तक कभी उनके बड़े नेताओं के भाषण में सुन लीजिए कि कभी नहीं उन्होंने बोला होगा कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे, केवल दूसरे को गाली देना और ये सब करना। तो ये जो हमारा कारण रहा कि हमने ज्यादा जाति धर्म के आधारित मुद्दों को छोड़कर जो वोटिंग शुरू किया उसके कारण जो है हमारा बंटाधार हुआ। और आप सोचिए कि 1990 से पहले बिहार में पटना यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, पीएमसीएच देश के प्रमुख हॉस्पिटलों में स्थान था, डीएमसीएच का स्थान था। फिर से आप देख लीजिए कि बिहार में हर एक जिले में कोई ना कोई उद्योग होता था, लेकिन आज वो सारा चीज चौपट हो चुका है, सारा चीज बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स यही हुआ, जात धर्म और बाकी समय में 2 बोरा अनाज और 1000 रुपया खाते में, इसी पर आधारित रह गया और हमारा राज्य पिछड़ते चला गया। चलिए दिलीप का भी हम पक्ष ले लेते हैं। दिलीप, आप भी काफी पढ़े, बिहार को जिला जिला घूमे भी हैं, आपके हिसाब से वो दो क्या प्रमुख कारण हैं जिसके चलते बिहार आज सबसे अविकसित राज्य रह गया? देखिए, मुझे तो जहाँ तक लगता है सबसे बड़ा कारण अगर कह दीजिए तो बिहार में राजनीतिक पार्टियों नेताओं की इच्छा शक्ति का कमी होना है, और दूसरा बाढ़ भी है नॉर्थ बिहार के लिए, तो चलिए प्राकृतिक है, लेकिन उसको भी डैम बना के आप ये कर सकते काफ़ी हद तक, और उस पानी का इलाज आप दूसरे सेंस में कर सकते हैं, और जो बंद फैक्ट्रियां हैं उसको अगर चालू कर दिया जाए, जैसा जी आदेश जी ने भी कहा, तो बंद फैक्ट्रियां अगर चालू हो जाए तो बहुत हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और बिहार का विकास तो होगा ही, रोजगार भी मिलेगा और ग्रामीण लोगों को भी रोजगार मिलेगा और उनका इनकम भी बढ़ेगा। हम लोग भी किसान हैं, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग जो बचपन में देखते थे जी, जी। कि ईख की खेती होती थी हम लोग के, गन्ना की जी, जी। और वहाँ खुद आते थे लोग फैक्ट्री से, ईख मतलब जो खेत में है वहाँ से काट के वो खुद ले जाते थे, और जितना मतलब दाम किसान लगाते थे उससे ज्यादा वो खुद पहले बोलते थे कि इतना हम देंगे आपका, तो किसान भी मुनाफे में रहते थे और वो अगली बार और जोश के साथ वो खेती करते थे। लेकिन क्या हुआ, चीनी मिल बंद हो गया, गन्ना की खेती बंद, किसान भी बुरी स्थिति में है, अभी देखिए खाद नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो कारण है, जो इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो एकदम कमजोर है। कमजोर क्या कहिए कि है ही नहीं,
बस इतना है कि बिहार की जनता को, युवाओं को बरगला के वोट ले लो, सत्ता में बैठे रहो। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ मजबूत हो जाए तो बिहार का विकास कोई नहीं रोक सकता है। जब प्राचीन काल में हम पूरा देश में और देश के बाहर भी राज करते थे, उस समय कुछ नहीं था और दुनिया को ज्ञान देते थे हम, तो आज फिर ज्ञान के मामले में भी क्यों पीछे हैं हम और अन्य चीजों में क्यों पीछे हैं? तो सिर्फ वजह अगर एक कहिएगा तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि वैसा नेतृत्व अभी तक बिहार को नीतीश कुमार जी से बहुत उम्मीदें थी। शुरू में आए, दो चार साल अच्छा काम किए, लेकिन फिर वो भी चल गए पीछे की तरह और वो भी जाति धर्म के नाम पे करने लगे। वो खुल के नहीं बोलेंगे कि जाति के नाम पे हम ये कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वही कर रहे हैं। शिक्षा को चौपट कर दिए, वो आए थे वादा करके 2005 में क्या कि नॉर्थ बिहार में जितना चीनी मिल है, सीमांचल में जितना जूट मिल बंद है, सबको चालू कर रहे हैं। हम लोग को भी बहुत खुशी थी कि चलो कोई तो आदमी इस पे बात कर रहा है, और आए तो अभी तक नहीं चालू हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। तो इसी राजनीतिक इच्छा शक्ति को आप मानते हैं। चलिए, बिहार वो राज्य है जहाँ पर विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी। आज बिहार के विश्वविद्यालयों का क्या हाल है? पटना यूनिवर्सिटी जो 30-35 साल पहले तक ऑक्सफोर्ड से जिसकी तुलना होती थी, आज उसको छोड़ दिया जाए तो शायद बिहार में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं होगा जो 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री दे दे, चाहे बीए ऑनर्स हो या फिर बीएससी ऑनर्स या फिर बीकॉम। इसके अलावा स्कूल स्तर की बात करें तो जो आंगनबाड़ी है या फिर जो सरकारी विद्यालय है वहाँ का क्या हाल है और इसमें सुधार क्यों नहीं हुआ? आदेश जी, आप बताइए कि अभी जो मौजूदा सरकार है शिक्षा के ऊपर कितना काम की, और बिहार में मतलब आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के प्रति इतना रुझान क्यों रहता है लोगों का? दोनों मुद्दों पर बात पक्ष की। देखिए, बिहार में अगर सरकारी नौकरी अगर आप नहीं कीजिएगा फिर कीजिएगा क्या? देखिए, एक जमाना था कि नौकरी को सबसे थर्ड ग्रेड के दर्जे में रखा जाता था, लोग नहीं करना चाहता था, हमारे पिताजी लोग उनके समय में ये बात चलता था। और आज जो है सबसे नंबर एक प्राथमिकता हो गया, क्यों? क्योंकि खेती जो है यहाँ पर, खेती में आज तक खेती को सुधारने के लिए, खेती जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, फायदे का बिजनेस हो, इसके लिए कुछ नहीं किया गया। घाटे का बिजनेस रह गया, वही है कि मानसून के साथ जुड़ा हुआ है, वर्षा होगा तो होगा, कोई सेफ्टी नहीं है उसमें। और दूसरा है कि सरकारी नौकरी को बिहार में एक सबसे बड़ा चीज़ है कि भेड़ चाल वाली स्थिति बहुत ज़्यादा है। हाँ, कि नहीं नहीं भेड़ चाल में एक आदमी अगर कुछ करने लगा उसमें वो अच्छा कर रहा है तो सारे लोग आँख मूंद के उसी में चल जाएंगे। सरकारी नौकरी है, अब सरकारी नौकरी लोग को पसंद आ रहा है। सरकारी नौकरी में है कि देखिए, पहले वाला सरकारी नौकरी अब रहा भी नहीं, पेंशन भी नहीं है, अब पहले से ज़्यादा रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। रिस्क इन द सेंस कि यहाँ पर कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो, पहले ऐसा आराम नहीं है। लेकिन बावजूद इसके लोग को लगता है कि भाई फ्यूचर मेरा सेफ रहेगा। देखिए, बिहार में हम लोग जो हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, और भले ही आप कितने काबिल क्यों ना हो, लेकिन आप जो है वो अगर आप स्वतंत्र कुछ अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो लोग ही यहाँ पर विरोध करेंगे। एक ऐसा माइंड सेट यहाँ पर बन गया है। अगर आप यहाँ पर बिहार में क्या है कि एक सरकारी डिपार्टमेंट में अगर कोई चपरासी है और कोई बिजनेस करके 5 लाख रुपया महीना कमाता है तो लोग चपरासी को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। अच्छा आदेश जी, आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, इसको अगर हम शिक्षा से जोड़ें तो जैसे हम लोग मिशनरी स्कूल से पढ़े, लेकिन गांव, दूर दराज जो गाँव है वहाँ पे जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ के टीचर्स का क्या हाल है हम जानते हैं, कॉलेज भी उनका वही है, उनके पास जब बेसिक ज्ञान ही नहीं होगा तो स्टार्टअप्स करेंगे कैसे? शिक्षा तो एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, वही मेरा कहना है कि हमारी जो दुर्भाग्य का बात है कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो अंग्रेजों से भी खराब हो गया है। जो अंग्रेज के समय में जो प्राइमरी स्कूल चलता था उससे भी खराब अभी का व्यवस्था है। कारण देखिए यार, अब देखिए यहाँ हमारे यहाँ मुखिया का चुनाव कौन लड़ता है? 90% इलाके के दबंग या फिर कुख्यात लोग लड़ते हैं, उनकी बीवी लड़ती है नाम पर, और उनको दे दिया गया शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार, और वो लोग क्या मानते हैं? उसको मानते हैं कमाई का जरिया जी। और यही कारण है कि हाई कोर्ट में केस भी हुआ है कि 2 लाख शिक्षक फर्जी बहाल है, फर्जी सर्टिफिकेट बहाल है, मैट्रिक भी पास नहीं है, कोई बीएड नहीं किया है, कोई ग्रेजुएशन नहीं किया है, कोई पढ़ाई नहीं किया, कभी उनका चाप है, उसको मास्टर बना दिया गया। और आप मांग रहे हैं कि हमको डॉक्यूमेंट दिया जाए जो इन लोगों का जमा हुआ था, कोई मुखिया दे ही नहीं रहा है। तो आप वैसे लोगों को दे देंगे, अब आप कहा जाए कि अनपढ़ को दे दीजिए, किसी यूनिवर्सिटी का वीसी बना दीजिए, तो क्या उसका विकास होगा? वही होगा, मास्टर को आपने उन सब वैसा बहाल किए जिसको लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, जो चोरी से मास्टर बना हुआ है वो छात्र को क्या पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा जी। और ये इसी आधार पर जो है कि अभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऐसा हो गया, ऐसे शिक्षक भर गए हैं, ज्यादातर हम इस सबको नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे भी हैं, योग्य भी हैं, लेकिन ज्यादातर वैसे लोग भर गए हैं
जिससे अब बिहार के आगे 30-40 साल बाद तक भी कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होगा। विश्वविद्यालयों का स्तर इतना क्यों गिर गया? देखिए हम बता रहे हैं, मेरे घर में देखा हुआ है, मगध यूनिवर्सिटी से मेरे परिवार में काफी लोग पास आउट किए, 85 में 86 में उसमें पास आउट किए लोग, 3 साल में डिग्री, 2 साल उसमें बीए होता था, 2 साल का 2 साल में डिग्री मिलता था, 5 साल का ये प्रोग्राम क्या चल रहा है? देखिए बीए यूनिवर्सिटी को तो यहाँ पर कहा जाता ना कि जिस सब बहुत दुर्भाग्य है कि जिस छात्र जीवन से यहाँ के जो राज चल रहा है 30-32 साल से, उसी के समय में जिस विश्वविद्यालय से लोग पढ़े, विश्वविद्यालय की कमियों को और विश्वविद्यालय को सुधारने के लिए जब उनको मौका मिला, वही उनके ही समय में विश्वविद्यालय बर्बाद हुआ। अभी मैं बता सकता हूं कि बिहार के ऐसे लगभग 70% कॉलेज होंगे जहां पर पिछले 20-25 सालों से क्लास नहीं चला होगा, एक भी क्लास नहीं चला होगा। मैं जानता हूं अपने पूर्वी चंपारण में कितने कॉलेज जहां पर मैंने अपने पूरे जीवन में एक भी क्लास चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन हजारों हजार छात्र उसमें से पढ़ के बीए में पास, मतलब एडमिशन होता है, डिग्री मिलता है। हाँ, एडमिशन यहां का जो विश्वविद्यालय है वो डॉक्यूमेंट्स वितरण केंद्र है, जहां पर आप जाइए, 2-3 बार जाना होता है, एक फॉर्म भरने, एडमिशन लेने, फॉर्म भरने, तीसरे जगह एग्जाम देने और फिर मार्कशीट लेने, यही होने के लिए होता है। और देखिए कि कोई इसका पूछने वाला नहीं है, अभी विश्वविद्यालय का 70% सीट खाली है, लेकिन कोई भी वहां पर भर्ती क्या होगा, क्या आगे का रोड मैप होगा, कैसे बिहार में उच्च शिक्षा का विकास होगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीधे है कुछ भी हो तो केंद्र सरकार दे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, हम कुछ नहीं करेंगे, कटोरा लेके खड़ा है कोई है, अब कटोरा में हमको डाल दे, जो डालेगा वो ठीक है, नहीं डालेगा वो जी। दिलीप का भी पक्ष लेते हैं, दिलीप बताइए, आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, 30 साल के बाद बिहार को कहाँ देख रहे हैं शिक्षा की दरबार सुनी, तो जो अगली पीढ़ी है उसके लिए क्या तैयारी किया गया है? क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसका तैयारी आदमी शुरू कर देता है फ्यूचर के लिए, 30 साल के बाद बिहार के बच्चों को कहाँ देख रहे हैं? देखिए 30 साल के बाद तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, मैंने सोचना पड़ेगा कि बिहार की कोई शिक्षा व्यवस्था भी थी, इतना ध्वस्त हो चुकी होगी, अभी ही बर्बाद है। और बिल्डिंग बना देने से शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं जाती जी। आप बिल्डिंग बना दीजिए, उसमें पढ़ाने वाले नहीं होंगे, व्यवस्था सही नहीं होगी, तो फिर कैसे आपसे चलेगा? और स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक न तो सही से शिक्षकों की नियुक्ति होती है और नियुक्ति भी नहीं होती है। शिक्षक बहाली देखिए, शिक्षक बहाली के नाम पे दलाली हो रही है, हम तो खुलेआम कहते हैं कि दलाली हो रही है, शिक्षक बहाली नहीं दलाली की जा रही है और दिखावा किया जा रहा है। इनका शिक्षक बहाली की नियुक्ति की प्रक्रिया ही गलत है। 2006 से जो नियमावली बनी वो चपरासी की भी नियुक्ति ऐसे होती है क्या, जिस तरह से आप शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं, बताइए तो कहीं चपरासी की नियुक्ति ऐसे नहीं होती, जिसको मन उसको मुखिया जी बहाल कर, मुखिया जी बहाल, प्रोसेस भी इनका गलत है ना। मैट्रिक का इंटर के मार्कशीट लेके आप देखे, यहाँ पे खुलेआम चोरी चलती है मैट्रिक इंटर में, उसका मार्क्स लेके आप ये कर रहे हैं, संस्कृत बोर्ड से कोई कोई बोर्ड से 90% 80% मार्क्स ले आता है, उसके ऊपर आप टीचर बना रहे हैं। बीएड यहाँ अब तो बिहार में खैर पहले से सुधरा है, बीएड आप ऐसे नहीं कर सकते, एंट्रेंस देना पड़ता है। अभी भी यूपी में चले जाइए, 1.5 लाख रुपया दीजिए, आप एग्जाम भी नहीं दीजिएगा, डिग्री आपको 2 साल में मिल जाएगा ऑनलाइन, और जिनको चाहिए बोले हम बता देते हैं एड्रेस कि कहाँ से आपको मिल जाएगा डिग्री बीएड का। बिहार में भी पहले ऐसे होता था, मगध यूनिवर्सिटी से अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप पैसा दीजिए, वेब डेट में एडमिशन हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगा, बस पैसा चाहिए, तो बीएड का डिग्री आपको पैसा पे मिल जा रहा है। मैट्रिक इंटर आप खुलेआम पेपर लिख हो रहा है, 1-2 घंटा पहले क्वेश्चन आ जा रहा है और उसी मार्क्स पे आप टीचर बनाइएगा तो फिर लेकिन कैसे? लेकिन आप सीढ़ी लगाकर दीवार पे नहीं चढ़ रहा है। हाँ, ये विकास हुआ है कि सीढ़ी लगाना नहीं पड़ चुकी, अब डिजिटल जमाना आ गया तो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर आ जा रहा है। और प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो रही है, नियुक्ति हो रही है तो उसमें गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है। पटना यूनिवर्सिटी जो है बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी जिसको कह रहे हैं, वहाँ टीचरों की संख्या प्रोफेसरों की संख्या क्या है, आधा से ज्यादा सीट खाली है, कर्मचारियों की बहाली नहीं हो रही, सीट खाली, तो फिर पढ़ाई तो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ डिग्री बांटा जा रहा है, मतलब एडमिशन हो रहा है और परीक्षा हो रही है और सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, बस पढ़ाई को कहीं। पटना यूनिवर्सिटी में भी अब पढ़ाई नहीं हो रही है, पटना यूनिवर्सिटी में भी आप 10 साल पहले देख लीजिए पढ़ाई होती थी, अब वहाँ भी पढ़ाई नहीं, चूंकि टीचर है ही नहीं तो पढ़ाएंगे कौन। और सबसे पहले नीतीश जी आए तो क्या किए, मास्टर स्ट्रोक क्या खोले चले, पटना यूनिवर्सिटी से इंटर की पढ़ाई खत्म, साइंस की खत्म, आर्ट्स की खत्म, सब कॉमर्स की खत्म, और क्या कहे कि हम पटना यूनिवर्सिटी को पूरे विश्व में ये करवाएंगे, और क्या हुआ, ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई खत्म, कुछ नहीं हो रहा है, टीचर की बहाली नहीं, और इंटर का भी जो पढ़ाई होता था वो भी खत्म। अब बताइए तो बिहार में कोई ऐसा कॉलेज बताइए, कोई ऐसा स्कूल बताइए जहाँ साइंस का प्रैक्टिकल होता हो, प्रैक्टिकल का इंस्ट्रूमेंट हो वहाँ, मुझे हम लोग 10 रुपया में प्रैक्टिकल पास किए हैं,
मैट्रिक में 10 रुपया 20 रुपया लगता था, अगर 50 रुपया दे दिए तो थोड़ा दो नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, 100 रुपया दे दिए तो 5 नंबर ज़्यादा मिलेगा। हम इस बात को खुलेआम कह रहे हैं कि 10 रुपया हम लोग प्रैक्टिकल में दिए हैं, 100 रुपया दिए हैं। जी जी, बीच में खबर ये भी आई थी कि 4000 करोड़ का लाभ घोटाला हुआ था बिहार के, लाभ का सारा सामान खरीदा गया है पेपर पर और कोई सामान लाभ तक पहुँचाएंगे, 4000 करोड़ का घोटाला इसी बिहार में हुआ लाभ। अरे अभी तो मैं बता दूँ आपको उदित की लैब अगर खोल भी दिया गया तो यहाँ प्रैक्टिकल कराएगा कौन? जी ये भी जो गुरु जी हैं वो भी आज तक सोडियम नहीं देखे होंगे, मैग्नेशियम नहीं देखे होंगे, और उनको भी बोल दिया गया कि बीकर क्या होता है, लेंस क्या होता है, किस तरह कटिंग करके माइक्रोस्कोप में डालना होता है, बिल्कुल। वो सब नहीं उनको पता होगा। तो ये बस देखिए यहाँ बिहार में क्या है कि सरकारी आप कागज में कर दिए हो गया, हमने इस विश्वविद्यालय को इतना पैसा फंड दे दिया हो गया। आज तक नीतीश कुमार बिहार में शिक्षा नीति को लेकर बात किए हैं कि आपने बिल्डिंग बनाया, लेकिन बिल्डिंग के भीतर जो शिक्षा जो आना है उसके लेकर आज तक शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कभी भी बात नहीं हुआ। आज जो है जमाना कितना आगे चला गया, आप सरकार एक समय था कि इसी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए आज नीतीश कुमार के साथ जितने भी IAS IPS बैठे हुए हैं सारे लोग एक समय में सरकारी स्कूल में बोरा बिछा के बैठे होंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था कि वो लोग इंटर करने के बाद तुरंत करेंट बैच में IIT मेडिकल निकाले, UPSC जैसा पद निकाले उस समय उस जमाने में जी। और आज देख लीजिए कि आज सरकारी स्कूल के बच्चे को एक आप प्राइवेट स्कूल के सामने रख दीजिए उसका स्थिति क्या हुआ? बच्चा छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल के एक बच्चा के सामने सरकारी स्कूल के एक टीचर को रख दीजिए वो उसको हरा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और एक और जो अहम मुद्दा है जिस पर अब हम चर्चा कर ही लेते हैं आयोग के बारे में थोड़ा अपना मुझे हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि आयोग पर बहुत कटाक्ष करते हैं जो ये पत्रकार हैं और ये छात्र नेता हैं। आप बताइए कि आयोग में जिन लोगों की बहाली होती है खासकर जो उसमें सबसे शीर्ष पद पे होते हैं वो रिटायर्ड ही होते हैं, IAS हुए यही लोग होता है उसमें, बताइए इतना साल का एक्सपीरियंस लेकर और उसके बावजूद आयोग का जो रवैया है बिहार में, अब मैं इस बीट का नहीं हूं लेकिन मैं देखते सुनते रहता हूं तो इतना समझ गया हूं कि कोई आयोग और खासकर BSSC मैं कैमरा करने गया था अध्यक्ष साहब मिलने नहीं आ रहे थे, आयोग की ये स्थिति कितना मतलब कब से गड़बड़ाई, इसके पीछे जिम्मेदार कौन कौन? देखिए बिहार में आयोग की स्थिति, बिहार में नौकरी जो है एक इंडस्ट्री है, एक उद्योग है जिसमें कमाई किया जाता है, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है, रियलिटी है ये। और मैं तो मानता हूँ कि जैसा रवैया अपनाया जाता है आयोग का, पहले तो मैं ध्यान नहीं देता था, पहले ये सब में फॉरम भी नहीं भरता था, लेकिन अब जब मैं 2-3 सालों से इस खबर को कर रहा हूँ जैसा रवैया अपनाया जाता है, ये इंडस्ट्री है और इसमें खूब बंदरबाट होता है, अगर नहीं होता तो ये लोग फेयर एग्जाम कराते हैं। मैं लगातार कहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, आंसर शीट नहीं दिया जाता है, RTA का जवाब नहीं दिया जाता है, आखिर ये है क्या? और दूसरी बात आप कहते हैं कि जो IAS IPS बनते हैं, जो अभी जो आपको बता दें बिहार में जो जितने भी आयोग हैं BPSC रिटायर्ड IAS क्या नाम है उनका नाम इसका आरके महाजन, CSBC जो सिपाही का भर्ती करता है उसके हैं, KS द्विवेदी हैं वो IPS रिटायर्ड बिहार के DGP थे, उसके बाद रविंद्र कुमार हैं BSSC वो भी रिटायर्ड DG हैं, और BPSSC जो दरोगा की बहाली करता है उसके भी रिटायर्ड IPS हैं वो भी DG रहे हैं सुनीत कुमार। अब ये चारों लोग वैसे हैं जिन जो कि अपना इन्होंने जो महत्वपूर्ण समय जो बिताया वो बिहार के जंगल राज के समय बिताया जिस समय कहा जाता है कि बिहार का सब डिजाइन से पतन हुआ और उसमें अधिकारियों की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो ये लोग जो हैं आखिर हम कैसे मान ले कि ये लोग जब अपने पद पर रहे होंगे तो अच्छे से काम किए होंगे, जब यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद जब हमको RTI का अधिकार दिया गया है, हाई कोर्ट में छात्र जाते हैं, संवैधानिक न्याय के साथ विकास की बात करने वाली सरकार है, तब ये नहीं डरते हैं, तब ये कोई भी न्याय नहीं करते हैं, समझिए कितने ढीठ हैं ये जी। और उस समय क्या करते होंगे, उस समय ये ईमानदार को जेल नहीं और बेईमान को ईमानदार को बेल नहीं और बेईमान को जेल नहीं, ये कॉन्सेप्ट पर काम करते होंगे। अब तो मुझे यही लगता है क्योंकि आज इतना मॉडर्न जमाना है, सोशल मीडिया है, मीडिया इतना एक्टिव है, कोर्ट इतना एक्टिव है, हर एक चीज का संज्ञान ले लिया, तब इनको डर नहीं लगता है। और सारे BPSC को अगर छोड़ दें तो सारे आयोग की कार्यप्रणाली यही है, तो ये एकदम साबित करता है कि ये आयोग जो है ये सरकारी सहायता के कारण और बिहार में भर्ती को एक उद्योग बनाने पैसा कमाने का माध्यम बनाने के कारण ये बिहार के युवाओं के साथ अन्याय करते हैं, उनको वर्षों लटकाए रखते हैं, उनकी जवानी को बर्बाद करते हैं।
बर्बाद करते हैं। दिलीप, आप तो एक बात हमेशा कहते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, सीट बेच दिया गया। अब बताइए ये मतलब कितना सुनने में पहले और लगता है कि सीट बेच दिया गया। वैकेंसी अगर आती है, मान लीजिए 700 वैकेंसी 800 वैकेंसी है, उसमें सीट बेच दिया गया, ये कैसे संभव है? ये तो संभव ही नहीं बल्कि हो रहा है, ये कहने वाली बात नहीं है, और इसके लिए प्रूफ की जरूरत भी अब नहीं है। बिहार में कोई भी वैकेंसी आए, 70-75% सीट बेच दी जाती है, बोली लगाई जाती है, और पहले से शिक्षा माफिया हावी रहता है, ऑक्शन होता है उसका, बोली लगाई जाती है और बेच दी जाती है। और दरोगा में तो खुलेआम 25 लाख लेके सीट बेचा गया है, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी जवाब नहीं देती, आरटीएससी जब जवाब मांगिए, ओएमआर सीट की छाया प्रति मांगिए या मार्क्स मांगिए, तो कहा जाएगा कि बहाली की प्रक्रिया चल रही, इसलिए नहीं दे सकते हैं। जब बहाली पूरी हो जाती है तब कहा जाता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, उसके बाद अगर लगाइए तो फिर कहेगा कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई दस्तावेजों की, इसलिए हम नहीं दे सकते। ये कौन सी बात हो गई? इसका मतलब है कि अब बेच रहे हैं, सही बात है। मुश्किल से 25% लोग ही ईमानदारी से मेरिट वाले जाते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण कहिए या सबूत कहिए, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग में है, जो रामा किशोर सिंह का प्रकरण चला था, वॉइस रिकॉर्डिंग मैच हुआ था, 25 लाख इंटरव्यू में मांग रहे थे वो कि मनमाना नंबर देंगे, डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, और पूरा वैकेंसी का वो बहाली पीटी मेंस इंटरव्यू का 55-60 लाख लेके करवाते थे, और वो अभी एक कॉलेज का प्रिंसिपल बने हुआ है। तो कैसे नीतीश जी का जीरो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस वाली बात सही है? अच्छा, बिना जीरो टॉलरेंस का बात है, जिस अधिकारी के यहाँ छापा मारा जा रहा है रोज, और अब पति निकल रहा है वो, करोड़पति तो वो सरकारी दस्तावेज से है, पटना में है, बताइए एक कट्ठा जमीन फुलवारी शरीफ में या किसी भी जगह पटना में, एक कट्ठा का 1.5-2 करोड़ रुपया दाम है, वहां पर 7-7 कट्ठा का प्लॉट मिलता है, वो तो अरबों में संपत्ति है, वैसा 3-4 हजार। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इतना सब चल रहा है बिहार में, इतने तरह के करप्शन घोटाले, चाहे शिक्षा हो, सरकारी नौकरी हो, विश्वविद्यालय हो, प्रोफेसर की नियुक्ति हो, कोई मामला हो, क्या जो इस राज्य के मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनकी जानकारी नहीं होगी? उनको जानकारी नहीं होगा इन सभी चीज का? और अगर जानकारी है तो फिर क्या ऐसी मजबूरी है उनके सामने जो उनकी चुप्पी रहती है? क्योंकि भाई मुखिया है, अब देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी हैं, तो देश में 2 करोड़ रोजगार का वादा किए, तो हम सवाल पूछेंगे उनसे कि क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार की 13-13.5 करोड़ या 14 करोड़ की जो जनता है, उसका नेतृत्व यही कर रहे हैं, तो उनको जानकारी नहीं होगा इस बात का? और अगर जानकारी होगा तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है? पहले आप बताइए। देखिए, जानकारी तो बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है, सब चीज की जानकारी है, लेकिन वो सिर्फ कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं, और उनके जो इर्द गिर्द करीबी नेता लोग हैं वो इस सेटिंग में इन्वॉल्व है, और नीतीश कुमार जी चाह के भी मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जी का सारा राज उन लोग के पास होगा, कभी भी वो बाहर कर देंगे तो नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे, तो यही वजह है कि नीतीश कुमार जी चाह के भी अब नहीं कर पा रहे होंगे। नहीं तो नीतीश कुमार जी का हम ये भी देखे हैं कि जिस चीज़ को ठान लेते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते। शराबबंदी पे देख लीजिए, सभी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, बीजेपी सत्ता में है फिर भी विरोध कर रही है, साथ में रहते फिर भी वो पीछे नहीं हटले हैं। लेकिन ये दरोगा बहाली हो या बीपीएससी हो, बीएसएससी में धांधली का मुद्दा हो, विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव आता है, लेकिन नीतीश कुमार एक बार नहीं बोलते हैं, ना जांच का आदेश देते, क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब यही है कि उनके जो करीबी हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, अरबों रुपए की वाही इससे हो रही है, और सब जगह अपने आदमियों को भरना है और पैसा भी कमाना है, इस वजह से नीतीश कुमार जी चुप है, क्योंकि उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, कुर्सी चाहिए कुछ नहीं चाहिए, यही बात खेती पासवान का है, दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला लेंगे। आपका क्या कहना है अदेश जी, इस तरह का जो रवैया है सरकार का, इतना जितना आप लोग जिक्र कर दिए, सब बहुत निगेटिव एस्पेक्ट पर ही हम चर्चा किए बिहार की, क्या मजबूरी है सत्ता के सामने, प्रशासन के सामने, नीतीश कुमार के सामने, जो कार्रवाई नहीं होता है इन अधिकारियों पर, इन आयोग में बैठे हुए लोगों पर, या चाहे अस्पतालों की बात कर लीजिए, कहीं का बात कर लीजिए, क्या मजबूरी है? संरक्षण प्राप्त है, जब कोई कार्रवाई नहीं कर, गलत हो रहा है और आप उस पर पर्दा डाल रहे हैं, इसका आपका उससे संरक्षण है, उससे तभी हैं आप उन सब बातों को दबा रहे हैं। बताइए कि यही अगर बीजेपी अगर विपक्ष में रहती तो जिस तरह भी इंटर का मामला चल रहा है, चाहे जो भी ये सब बीएसएससी दरोगा ये सब मामला चल रहा है, ये बहुत बड़ा हाय तबाह मचाया जाता है, लेकिन अभी है कि नहीं मचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आरजेडी को उससे मतलब नहीं है, वो ज़्यादा उनका झुकाव जो है जाति पाति की तरफ ही रहता है, और उनको पता है कि वो, और उतने उनके पार्टी में उतने लोग समझदार भी नहीं है कि इतना चीज़ वो गहन समझ पाए। अलग बात है कि रोजगार को लेकर 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा। और दूसरा बात मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा कि बिहार में जो है जब से झारखंड अलग हुआ या उससे पहले भी, भर्ती जो है एक बहुत बड़ा उगाही का समय होता है। जिस तरह बिहार में बाढ़ है ना, कि बाढ़ में है कि एक कमाई का जरिया होता है, केंद्र से पैसा आएगा, चोरी भी खूब होता है, बाढ़ घोटाला होगा ना कि, तो ये सब होता है। उसी तरह बिहार में भर्ती है,
कि जब जब बड़ा बड़ा भर्ती आता है तब तब उसमें कमाई होता है। कमाई कौन करेगा? अब देखिए ना, नेता जो है, हम लोग नेता को राष्ट्र चलाने के लिए सौंपते हैं, लेकिन आज हर एक करप्शन की जड़ में जाइएगा तो नेता ही है, चाहे वो शेयर बाजार घोटाला हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंटल घोटाला हो, चाहे वो परीक्षा भर्ती में, और सबका लिंक आप ऊपर जोड़िएगा तो कोई ना कोई एक नेता मिलेगा ही मिलेगा जो सत्ता पक्ष में रहे, ज्यादातर सत्ता पक्ष में रहता है। बिल्कुल। तो बताइए कि अगर वैसे लोग क्या करते हैं, उनको क्यों इतना प्रेशर दिया था? क्योंकि वो पार्टी के लिए फंडिंग करते हैं, पार्टी को फंड देते हैं, पैसा है ये करते हैं। तो बताइए कि, और यही कारण है कि आंख मुंदना पड़ता है। नीतीश कुमार जो है छोटे छोटे बात पर वो सीरियस ले लेते हैं। और पटना में मैं ही आपको बताऊं कि 5-5, 6-6 बार दिलीप ने ही पूरा ये किया, धरना प्रदर्शन, लाठी चला, सब कुछ हुआ, इतना मीडिया में छाया, सब कुछ हुआ, कुछ कार्रवाई नहीं। एक सरकार या आयोग के द्वारा भी एक पत्र भी जारी किया जाता कि हम इसकी जांच करा रहे हैं, चाहे मामला सही है, छात्र गलत कर रहे हैं, ऐसा भी चीज है, कुछ ये नहीं। मीन्स कहने का मतलब है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, और जो भी इसमें विघ्न डालने के लिए आता है उसको तुम दोषी बना दो, उसको ये बना दो, उसमें कोई चार गुण दिखा दो कि इस पार्टी का है, विपक्ष का है, नेता बनना चाहता है, उसको तुम दबा दो। और युवा का बात केवल चुनावी भाषण में, युवाओं का देश है, हमने युवाओं के लिए ये किया वो किया, कुछ नहीं हुआ युवा के लिए। सबसे बेचारा, सबसे निरीह, सबसे कमजोर युवा ही बना हुआ है। और जब तक युवा को उसकी शक्ति का एहसास नहीं कराया जाएगा तब तक ये कोई नहीं सुनने वाला है। आप देखिए ना, RRBNTPC में 10 लड़का से शुरुआत हुआ था और वो राजेंद्र नगर में आके घेरे यहाँ पर, देखते देखते वो भीड़ 10 लड़का से 10,000 और जंगल की आग की तरह पूरे बिहार में फैल गया। और अंततः सरकार को यूपी इलेक्शन जैसा महत्वपूर्ण समय उसको छोड़ के इस पर विचार करना पड़ा। वो समय आएगा बिहार में, मैं देख रहा हूँ कि कितना फ्रस्ट्रेशन है। और ये लोग समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम बरगला देंगे, ये बारूद बनते जा रहा है और कभी चिंगारी लगेगा कोई नहीं रोक पाएगा, विस्फोट हो जाएगा। बिल्कुल, ये मैं तो, देख रहा हूँ और मैं चेता रहा हूँ, ये चेतावनी है, सलाह है, सुझाव है कि अभी से भी संभल जाए, अभी से भी इनके लिए सकारात्मक काम करे, नहीं तो ये बहुत ऐसा बड़ा बगावत बनेगा जिसमें ये हमारा जो लोकतंत्र संविधान का ये दुहाई देते हैं वो भी नहीं बचा पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार भले इस पर आंख मूंद सकती है, लेकिन हम इस पर आंख नहीं मूंद सकते हैं। जनता की अकाउंटेबिलिटी है जिस पर हम खड़े होते हैं, हम जनता का सवाल करते हैं, जनता को सुझाव, जनता से सुझाव भी मांगते हैं। अंतिम 2 मिनट में दिलीप बता दीजिए, समाप्त कर दीजिए इस पूरे चर्चा को, कि आखिरकार माहौल ठीक कैसे होगा, या फिर क्या फिर से कोई बड़ी क्रांति, जिस तरह जयप्रकाश विद्यार्थियों की ही क्रांति थी और इसी बिहार की भूमि से उठी। देखिए, निश्चित रूप से अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है तो मैं भी देख रहा हूँ कि बिहार क्रांति की धरती रही है और बहुत बड़े छात्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है बिहार। और NTPC में जिस तरह से हुआ, इससे पहले दरोगा बहाली में हम लोगों ने किया, और दरोगा बहाली में आंदोलन हुआ तो उसका असर हुआ कि बिहार में पहली बार शिक्षा और रोजगार चुनावी मुद्दा बना। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले अगर कोई दिखा दे मुझे कि बिहार में शिक्षा रोजगार पे कोई चुनाव लड़ा गया हो, कोई नहीं मिलेगा। 30 साल में पहली बार हुआ। बिल्कुल। तो ये असर हुआ है और आगे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा बिहार में। अगर सरकार नहीं चेती तो सरकार का भी तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसा छात्र आंदोलन बिहार में होने जा रहा है। और हम लोग युवाओं के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग आगे इसके खिलाफ लड़ेंगे। और पारदर्शिता तो चाहिए हर एग्जाम में, और ये जो बंदरबांट हो रहा है सरकारी नौकरियों में, बहालियों में जो धांधली हो रही है, उसको हर हाल में सरकार को बंद करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि जिस 2020 में जिस चुनाव को बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा गया, तेजस्वी यादव एक दिन में 7-7 रैली कर रहे थे, सभी रैलियों में कह रहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे, वो तेजस्वी यादव चुनाव खत्म होते ही, हारते ही बिहार से गायब क्यों हो जाते हैं? सत्ता पक्ष से तो हम सवाल कर ही रहे हैं, विपक्ष से भी हमारा ये सवाल है। अगर बिहार के तमाम नेता नहीं सचेत होते हैं तो बिहार में नेता पैदा होना कोई बड़ा बात नहीं होता है। JP क्रांति का ही देन था जो बिहार को मुख्यमंत्री मिला और लंबा समय चला बिहार, करीब 32 साल होने को है। तो बिहार जिन समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे बंद पड़े कारखाने हो, चाहे बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था हो, या फिर नौकरियों में हो रहे घोटाले, या फिर जो शिक्षक हैं, संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, सभी स्तर से देखें तो बिहार आज एक बड़े समस्या से जूझ रहा है। आपका जो सुझाव है हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।